नमस्ते बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर पेज नंबर 100 सॉल्व करेंगे। तो 100 पेज नंबर पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, यहाँ पे बताया गया है कि एक प्राइस लिस्ट दी गई है ना, ये देखो प्राइस लिस्ट दी गई है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के हमें सोल्यूशन करने, मतलब उनके आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। यहाँ प्राइस लिस्ट देखेंगे, एक तरफ आइटम है, दूसरे कॉलम में प्राइस इन रुपीज पर केजी, मतलब जितने भी आइटम दिए हैं उनकी जो प्राइस दी है पर केजी, मतलब 1 केजी की प्राइस दी हुई है। जैसे टोमेटो 1 रुपीज है, मतलब टोमेटो 1 केजी कितने का है, 1 रुपीज। पोटैटो 1 केजी, 12 रुपीज। ओनियन 1 केजी प्राइस कितनी है, 10 रुपीज। कैरेट की 1 केजी प्राइस कितनी है, 16। इसी तरीके पंपकिन की 1 केजी की प्राइस है 4 रुपीज, ठीक है ना। और यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज 1/2 केजी ऑफ टोमेटोज कास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मच डज 1/2 केजी, 1/2 केजी मतलब हाफ के जी, हाफ के जी ऑफ टोमेटोज कास्ट, हाफ के जी टोमेटो की कास्ट कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है तो 1 केजी टोमेटो की प्राइस कितनी है, 8 रुपीज, ठीक है ना। और 1/2 मतलब हाफ के जी पूछा है, तो 1 केजी की 8 रुपीज है, तो हाफ के जी कितनी होगी, 4 रुपीज। लेकिन इसको निकालना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 केजी की 8 रुपीज दिया है, तो लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 केजी ऑफ टोमेटोज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक नहीं, 8 रुपीज, ठीक है ना। कास्ट ऑफ 1 केजी ऑफ टोमेटोज इक्वल टू 8 रुपीज, ठीक। फिर निकालना किसकी है, वो दूसरी लाइन में लिखेंगे कास्ट ऑफ 1/2 केजी ऑफ टोमेटो, 1/2 केजी मतलब हाफ के जी ऑफ टोमेटोज इक्वल टू करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है ना, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है ना। हाफ के जी की निकालना है, इसके 8 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर के लिए 1 मान लेंगे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 1 जा 8, नीचे नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक। अब 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा 8, 4 टाइम्स जाता है ना, कितना आ गया 4, तो मतलब 1/2 केजी टोमेटो की कास्ट कितनी होगी, 4 रुपीज, ठीक है ना। क्योंकि 1 केजी की कितनी थी, 8 रुपीज, तो हाफ केजी कितनी होगी, 4 रुपीज। निकालना आपको ऐसे है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो बी क्वेश्चन है, विच कास्ट मोर, इसकी कास्ट मतलब ज्यादा है, 1/2 केजी ऑफ ओनियन मतलब यहाँ हाफ के जी ओनियन की, आर अथवा 1/4 केजी ऑफ कैरेट, 1/4 केजी कैरेट मतलब जो 1 केजी का 1/4 पार्ट, ठीक, मतलब हाफ का भी हाफ, ठीक। दोनों में किसकी कास्ट ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें किसकी कास्ट निकालनी पड़ेगी, 1/2 केजी ऑफ ओनियन मतलब आधा किलो हाफ के जी ओनियन की निकालनी पड़ेगी। तो ओनियन की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज, 1 केजी की है, और तो हाफ केजी कितनी होगी, 5 रुपीज, ठीक। और तो 1/2 मतलब हाफ केजी की ओनियन की प्राइस कितनी आ गई, इसकी आ गई 5 रुपीज, ठीक है ना। मैं इसको अभी करके बताऊंगा कैसे करना है, पहले अभी समझ लीजिए, आ गई 5 रुपीज। अब 1/4 केजी अब कैरेट की प्राइस कितनी होगी, तो 1 केजी कैरेट की प्राइस है 16 रुपीज, ठीक है ना। तो 1/4 केजी का निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 16 में किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/4 की, ठीक। तो नीचे वहां यहाँ पर 1 मान लेंगे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन नीचे नीचे, तो 16/4 आ जाएगा। फिर 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स जाएगा ना, तो 4 रुपीज आएगा। तो किसकी प्राइस ज्यादा आएगी, 1/2 केजी ओनियंस की, ओनियन की प्राइस ज्यादा है, हाफ के जी ओनियन की ज्यादा है किसकी अपेक्षा, 1/4 केजी आप कैरेट की, ठीक है ना। तो अच्छे से कैसे करेंगे, मैं इनके दोनों का सलूशन आपको दिखाना, वहां से आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ इन दोनों के सलूशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच डज 1/2 केजी ऑफ टोमेटोज कास्ट, कैसे निकाला गया है, कास्ट ऑफ 1 केजी टोमेटोज, 1 केजी टोमेटो कास्ट कितनी थी, 8 रुपीज। तो यहाँ पे देखो 8 रुपीज लिखा गया है, रुपीज है, ठीक। अब कितने का फाइंड करना था, 1/2 केजी, तो कास्ट ऑफ 1/2 केजी ऑफ टोमेटोज डिवाइडेड बाय 2, यहाँ देखो हमने मल्टीप्लिकेशन से निकाला था, यहाँ 2 से डिवाइड करके बताया गया है, ठीक है ना। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करो, ठीक है ना, या 8
डिवाइड बाय टू करो, क्योंकि हाफ के जी निकालना है ना। हाफ के निकालने के लिए हमने किसी चीज का बताया, किसी चीज का हाफ निकालना हो तो टू से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आंसर कितना है 4। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन था, विच कास्ट मोर 1/2 के जी ऑफ ऑनियन और 1/4 के जी ऑफ कैरेट। हमने बताया था द कास्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी थी, 10 रुपीज। हाफ के जी निकाला है कास्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ ऑनियन, तो हाफ के निकालने के 2 से डिवाइड कर दिया 10 को, तो कितना आ गया 5 रुपीज, ठीक। अब निकालना है द कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट दिया 16, तो कास्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स के कितने निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें, 4 से डिवाइड किया है। देखिए हाफ निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं और 1/4 मतलब क्वार्टर पार्ट निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4 से डिवाइड किया गया है। लेकिन हमने आपको कैसे बताया था, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1/4 करके बताया था, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है, आंसर सेम आएगा। तो 4 4 जा 16, ये 4 रुपीज आया और ये आया था 5 रुपीज, तो 5 रुपीज मतलब ज्यादा आया। तो यहाँ इस तरीके आंसर लिखेंगे, सिंस 5 मोर देन 4 देयरफॉर द कास्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ ओनियन इज मोर देन द कास्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। मतलब 1/2 kg के ओनियन की प्राइस ज्यादा है किससे, द कास्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट से, ठीक है ना। इस तरीके के दोनों आप इनके ये जो सोल्यूशन है वो यहाँ से आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। अब यहाँ पे किसकी प्राइस पूछी गई, 3/4 kg ऑफ पोटैटोज, मतलब 1 kg का मतलब तीन पार्ट पूछे गए, मतलब 3/4, ठीक है ना, हाफ से हाफ ज्यादा, ठीक। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 1 kg की प्राइस पता होनी चाहिए। तो पोटैटोज की 1 kg की प्राइस कितनी है, 12 रुपीज, ठीक। अब हमें निकालनी कितनी की है, 3/4 kg की, तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 कर दोगे, ठीक है ना। पहले क्या लिखोगे, देख कास्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज इक्वल टू 12 रुपीज, लिखोगे कास्ट ऑफ 3/4 kg पोटैटोज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 3/4 की पूछ रहा है ना, मतलब जिसकी प्राइस पूछ रहा है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो। नीचे यहाँ पे 1 मान लो 12 के नीचे, तो ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 12 3 जा 36, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 जा 36, तो कितने रुपीज आएंगे, 9 रुपीज। तो यहाँ पे 9 रुपीज लिख देना, ठीक। डी पार्ट है, कीर्ति इज गोइंग टू शॉपिंग, कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है, सी हैज ओनली ₹20 विथ हर, उसके पास कितने रुपए केवल है, 20 रुपए है। कैन सी बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो सभी चीजें खरीद सकती है जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में दिखाई गई है। तो ये देखिए कीर्ति को बाई की शॉपिंग लिस्ट में क्या है, पोटैटोज है 1/2 kg मतलब हाफ के जी पोटैटोज खरीदना है, पंपकिन 2 kg, 2 kg पंपकिन है, और कैरेट है 1/4 kg। इनकी हमें तीनों की प्राइस निकालेंगे और फिर उनकी प्राइस को प्लस करेंगे, देखेंगे 20 रुपीज में परचेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज 12 रुपीज, कास्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज 12 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो कितना आ गया, 36, नीचे आ गया 4, तो 4 9 जा 36, तो 9 रुपीज आ गए। तो इस तरीके हमने बताया था, ये नीचे वाला कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है, ये देखिए पोटैटोज पंपकिन कैरेट। अब इनके तीनों को प्राइस निकालते हैं, यहाँ पर देखिए निकाली गई कास्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज की प्राइस निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 kg पोटैटोज की प्राइस, तो 1 kg पोटैटो की प्राइस है 12 रुपीज, तो इससे किसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, किससे, 1/2 से, ठीक है ना, 1/2 की निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, कितना आ गया, 6 रुपीज, ठीक। वैसे ही करना है, कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ पंपकिन की प्राइस निकाली है, तो 1 kg की 4 रुपीज है, इसलिए 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, तो 4 2 जा 8 रुपीज आ गया। फिर कास्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट की निकाली गई है, 1 kg कैरेट कितनी, 16 थी, 1/4 kg कितनी हो जाएगी, 4 रुपीज, ठीक है ना। अब तीनों को प्लस करेंगे, 6 8 प्लस 4 कितना आ गया, 18 रुपीज, मतलब वो 20 रुपए में तीनों चीजें परचेस कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, 20 मोर देन 18, सो सी कैन बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, ठीक है ना, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेक टू क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, मतलब जो जो ऊपर प्राइस लिस्ट दी गई उससे 2 क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं, इनमें चेंज कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/2 kg ऑफ टोमेटोज, तो 1/2 की जगह क्या कर सकते हैं, 1/4 कर देना, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे पंपकिन का निकालना है तो 2 kg पूछा गया, तो आप 3 kg पूछ लेना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ पंपकिन, ठीक है ना, तो ऐसे निकाल लेना। वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर मैंने क्वेश्चन लिख दिए है, ठीक है ना, ये दोनों।